दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई लेटेस्ट आंगनवाड़ी भर्ती 2020 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें जो कुल पद हैं वो 15,000 निकाले गए हैं और इन 15,000 पदों में कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका और सहयोगिनी के पदों को इसमें भरा जाएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे एग्जाम मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। प्रदेश में भरे जाएंगे करीब 15,000 पद। इस आंगनवाड़ी केंद्रों पर होगी मानदेय कार्मिकों की भर्ती। सरकार ने जारी किया आदेश, अगले माह में की जाएगी भर्ती। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत केंद्रों पर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सह शिशु पालन गृह कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी के रिक्त पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। विभाग एक विज्ञप्ति जारी करेगा और इस विज्ञप्ति में जो प्रदेश में कितने पद रिक्त हैं वो है कार्यकर्ता की 3,686 पद रिक्त हैं, मिनी कार्यकर्ता की 708 हैं, सहायिका की 4,122 हैं, सहयोगिनी के 6,511 पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। और इसमें जो एलिजिबिलिटी रहेगी, योग्यता क्या रहेगी वो भी जान लेते हैं। आवेदनकर्ता जिस ग्राम पंचायत के लिए आवेदन कर रहा है उस ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए क्योंकि ये ग्राम पंचायत पर निकाली जाएगी। और विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदन की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए जो सामान्य वर्ग के लिए है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयु 40 वर्ष है SC ST के लिए। और विधवा या तलाकशुदा या पृथकता के लिए अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। तो ये इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है एज का रखा गया है और ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए इसमें जो दिया गया है अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और सेकेंडरी की अंकतालिका या प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसमें विशेष योग्यता हेतु अगर आपके पास है तो RSCIT का परीक्षण प्रमाण पत्र भी होना इसमें जरूरी है। अगर आपके पास कार्यानुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी इसमें आपके लिए लाभदायक साबित होगा। और ये जो कार्यान्वय प्रमाण पत्र है वो सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन के रूप में एक वर्ष का होना चाहिए, जो कम से कम है वो एक वर्ष का होना चाहिए। तो दोस्तों इससे संबंधित अगर भविष्य में कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो संपूर्ण वीडियो एग्जाम मित्र के द्वारा आपको अपलोड करके यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस भर्ती से संबंधित आपके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट है या अभी भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।